सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी जरूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार। मानव शरीर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति और आविष्कार चाहे कोई भी हो, प्रकृति का वे या मनुष्य, यदि वह अद्भुत है तो वह बेहद ही जटिलताओं एवं विषमताओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी ही एक प्रकृति की संरचना है स्त्री यानी महिला, और महिलाओं का शरीर पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कॉम्प्लिकेसी जितनी ज़्यादा होगी साइड इफ़ेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। ऐसी एक मासिक समस्या जो कि महिलाओं के साथ है, सॉरी इसे समस्या कहना उचित नहीं होगा, ये एक प्राकृतिक चक्र है यानी नेचुरल साइकिल, या मंथली पीरियड भी इसे लोग कहते हैं। तो प्रकृति ने इसका निर्माण क्यों किया ये हम सभी जानते हैं, हमें इस विषय पे डिस्कस नहीं करना, क्योंकि प्रकृति जो भी कार्य करती है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और इसके बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, और उन साइड इफ़ेक्ट्स के बिल्कुल आसान घरेलू एवं सबसे प्रभावशाली इलाज की। तो गाइस, इस मासिक चक्र के दौरान तकरीबन सभी महिलाओं को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द, पेट में मोड़ उठना, पीठ में दर्द, थकान, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, पैरों में सूजन इत्यादि इत्यादि। इन सभी लक्षणों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा में कमी आना। स्त्रियों में हीमोग्लोबिन 13.5 यानी कि 13.5 होना चाहिए, परंतु एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतवर्ष में तकरीबन 95% महिलाओं में यह हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 पॉइंट से भी नीचे होती है, और कुछ कुछ महिलाओं में ये तो 5 पॉइंट तक भी पाई गई है। तो मैं रोहित अपने गुरुओं के परामर्श और अपने तजुर्बे के अनुसार आप लोगों को एक ऐसी साधारण चीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को रिकवर कर सकेंगी। एक बार हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक हो गया, फिर यह पीरियड्स के किसी भी प्रकार के लक्षण आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं हो सकेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहकर इन पीरियड को निपटाएंगी। तो आइए जानें वह अचूक विधि। ये देखिए, यह गेहूं है, सभी इसे पहचानते हैं, सब मोस्टली यही जानते हैं कि यह अनाज है, सिर्फ पेट भरने में काम में आता है, पौष्टिकता है, फाइबर है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु इसका एक इस्तेमाल और भी है, अगर वो उसको उसी तरीके से किया जाए तो वह हीमोग्लोबिन के लेवल को बहुत ही जल्दी बढ़ाती है। तो ये जानने वाला तरीका क्या है, एक गिलास पानी जो कि कांच के बर्तन में हो, उसमें आप 2 चम्मच गेहूं डाल दीजिए, रात भर इस पानी को भीगने दें, सुबह धीमी आंच पर इस पानी को पकाएं, आधा शेष रहने पर छानकर गुनगुना करके इस पानी का आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। उसके बाद 1 घंटा कुछ भी न खाएं न पिएं। तत्पश्चात आपको नाश्ते में 2 चीज़ों का सेवन करना है। ये देखिए, ये गाजर है, सिर्फ 1 पीस गाजर का, इसी साइज का, इसे बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये गुड़, सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, 10-15 ग्राम। गाजर और गुड़ सुबह भी और शाम को भी, परंतु ये गेहूं का पानी सिर्फ एक ही बार सुबह खाली पेट आपको इस्तेमाल करना है। इस विधि को रेगुलर इस्तेमाल करें, 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएं, कम से कम 3 पॉइंट की वृद्धि
आप लोगों को अपने हीमोग्लोबिन लेवल में ज़रूर मिलेगी। ये मेरा और मेरे गुरुजी का बहुत ही बड़ा तजुर्बा है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात ही नहीं है। बस शुगर के पेशेंट गुड़ ना खाएं, बाकी गेहूं का पानी और गाजर जो इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को ज़रूर यूज़ करें और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स को बिल्कुल स्वस्थ रखने में एक कोऑपरेशन करें। प्रॉपर महिलाओं के लिए ये मैंने पहला ट्रीटमेंट अपलोड किया है। हो सकता है कोई मेरे शब्दों में कमी हो बयान करने में, परंतु इलाज में कोई कमी नहीं है। इट्स माई प्रॉमिस। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट तक के लिए गुड बाय।